अभी अभी खबर आया है कि कोरोना के वजह से दुनिया एकदम खत्म, अपन इधर बच गया जिंदा गांव में अभी, तो खेती बाड़ी कर रहा है अपन, ठीक है। तो अभी क्या है ना, बैठ के चाय में पाला जी डुबा के खा रहा है, उसके साथ साथ काजू भी खा रहा है, ठीक है। काजू तो इसका तो पता नहीं रिचन, ठीक है, हिस्ट्री नहीं पता। तो इसका बारे में तुम लोगों को उसका पीछे का कहानी मैं बताऊंगा, हम खाते हैं जहाँ तक, तो कितना मेहनत के बाद हम लोगों के पास काजू आके पहुँचता है, तो उसका रीज़न तुम लोगों को बताएगा कि इसका दुनिया कैसे शुरू हुआ था, ठीक है, वो बताएगा। ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा तुम लोगों को, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा लंबा है वीडियो, तो तुम लोगों को पूरा वीडियो देखना है, तो तब तुम लोगों को मज़ा आएगा, पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोगों को जाना है खेती, तो खेती करना है, और उसके साथ वो भी देखना है किस तरह हम लोगों के पास आता है। तो ठीक है, दुनिया एकदम ख़त्म, चलो चलते हम लोग खेती करने के लिए, उधर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। बाद में उसको तोड़ लेंगे, तो अभी ये इतना तो बहुत सारा पत्ता है वो सारा, तो हम लोग बाद में तोड़ेंगे और खाएंगे। स्टार्ट। हे गाइस, भाई भाई, तुम सबका फिर से और एक नई वीडियो के स्वागत करता हूँ। क्या है ना कि तुम लोगों ने देख पा रहे हो नेचुरल एरिया एकदम सही है क्या, ये नहीं है तो मुझे नहीं पता भाई। तो गाँव का नेचुरल एरिया ऐसे ही होता है,
बहुत देरी ऐसे ही होता है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, तो मेरा हर टॉपिक थोड़ा सा अलग होगी, तुम लोग पता ही है। तो ये भी तो देखो, मैं अभी गांव में हूँ, लॉकडाउन के वजह से कहाँ घूमने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने जाएंगे, आज का जो टॉपिक है, तो हम लोगों ने अभी खाते हैं ना, अगर घर का काम धंधा नहीं करेंगे तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा, ये तुम लोगों को पता ही है। तो आज खेती करना पड़ेगा मेरे को, घर से गालियाँ मिल रही है, घर में बैठ बैठ के एकदम बोरिंग हो चुका हूँ, इसलिए घर में गालियाँ पड़ रही है। तो मेरे को खेती करना है, तो जाएंगे हम लोग खेती करेंगे। और एक चीज़ जो जो तुमने देखा है तो वो अलग बात है, तो अब से शुरू हो रही है खेती, क्या है तो तुम लोग को दिखाऊँगा खेती। एक जाएंगे उधर, तो काजू का पेड़ होता है ना, काजू का पेड़, वो तुम लोगों को बताऊँगा। हम लोग मिलते हैं खाते, और वो कैसे मतलब कहाँ इतना स्ट्रगल करके बनता जो कि बनाता है काजू का पेड़, तो वो तुम लोग को दिखाऊँगा। तो आइए मेरे साथ, तो देखते हैं, ठीक है। काजू का रॉ मटेरियल होती है, तुम लोगों ने देख पा रहे हो, तो पहले उसको ये नीचे हाल करके उसको पहले ऐसे ही ऐसे नीचे रख देता है ऐसे। तो जब ये उसको अच्छा से क्लीन करके उसको जब नीचे रख देता है, उसको एक महीने के बाद कैसा होता है तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो स्टेप बाई स्टेप जब बड़ा पेड़ होता है, तब तक इतना मेहनत करता है चाची, वो तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि
इतना मेहनत करने के बाद एक चाची होती है तो इतना टाइम के बाद ये आता है उसके बाद फल देता है गाँव में। तो अभी अभी कोई चाची ये जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट तब मिलता है। तो इधर आओ देखो, ये अभी काजू का टाइम खत्म हो चुकी है लेकिन अभी भी एक है। तो ये कच्चा है, तुम लोगों ने पूरा देख पा रहे हो, ये जब कच्चा होता है ऐसा होता है, तो जब पक जाता है ना तो तब ऐसा होता है। उसके बाद रॉ मटेरियल का प्राइस होती है 150-200 के अंदर बराबर होती है। इसको फैक्ट्री ले जाते हैं, उसके बाद जो हम खाते हैं रियलिटी में जो वो प्रोडक्ट बन के आता है हम लोग खाते हैं, वो हमको 1000 रुपया मिल जाता है। तुम लोगों ने इसमें पता चल गया होगा। तो इतना मेहनत करने के बाद कोई चाची उसके बाद उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इतना मेहनत के लिए एक लाइक बनता है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने वीडियो ख़त्म कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा तुम लोगों ने इस टॉपिक का नॉलेज तुम लोगों को पूरा मिल सकता होगा, ठीक है। तो